राहतगढ़ में हम हैं इंसान टीम के स्वच्छता अभियान की आज से हुई शुरुआत। जनपद पंचायत की बाउंड्री वॉल की गई साफ सफाई। आज सागर जिले के राहतगढ़ में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें हम हैं इंसान टीम के बैनर तले राहतगढ़ जनपद पंचायत की बाउंड्री वॉल की साफ सफाई की गई और दीवार पर पेंट कर कलाकारी भी की गई। आज के इस शुरुआती अभियान में काफी संख्या में नगर के युवा शामिल थे। ये दीवार पर अपनी कलाकारी का हुनर दिखा रहे युवा कोई पेशेवर पेंटर नहीं है, ना ही इन्हें कोई पेंटिंग का भूत सवार है। ये तो अपने नगर राहतगढ़ को स्वच्छ करने की मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। दरअसल आज राहतगढ़ में हम इंसान टीम ने अपने अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत ब्लॉक कॉलोनी स्थित जनपद पंचायत की बाउंड्री वॉल की पहली तो साफ सफाई की गई, फिर उस पर पेंट किया गया और आखिर में इस दीवार पर नगर के युवाओं ने अपनी कलाकारी के जौहर दिखाते हुए सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई, जिसमें पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि और नगर को साफ स्वच्छ रखने की कवायद पर जोर दिया गया। कहने को तो आज से नगर राहतगढ़ के युवाओं के इस अभियान की शुरुआत की गई है, पर फिर भी काफी संख्या में जागरूक युवा इस अभियान का हिस्सा बने और अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राहतगढ़ SDM अखिलेश जैन भी इस अभियान में शामिल हुए, उन्होंने भी कलाकारी में अपने हाथ दिखाए, साथ ही शहर के युवाओं की इस पहल की तारीफ भी की। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये टीम का प्रयास बहुत अच्छा है, इसके संयोजक आयुष श्रीवास्तव जी और उनकी सारी टीम मिलकर बढ़िया काम कर रही है। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में ये प्रयास है। हर छोटा छोटा प्रयास जो भी मानव की बेहतरी के लिए किया जाता है वह अपना परिणाम दिखाता है। मेरा शुभकामना है और यूथ के लिए संदेश है कि आगे आइए, आगे बढ़िए। आलोचना और निंदा करना बहुत आसान है, पर काम को सुधारना और खुद आगे बढ़ के करना निश्चित रूप से अपने आप में बढ़ेगा। साथ ही राहतगढ़ हम है इंसान टीम के सदस्य आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि आज से राहतगढ़ नगर में इस अभियान की शुरुआत की गई है। हमारी शुरुआत अच्छी रही, करीब 30-40 युवा आज के इस सफलतम आयोजन का हिस्सा बने। आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सबका जन सहयोग लेके आगे बढ़ना है थोड़ा सा मुश्किल कार्य था। हमें इंसान टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। शुभम श्रीवास्तव मेरे मित्र हैं, जिन्हें ये काम सागर में चालू किया और मुझे बहुत सराहनीय लगा उनका काम। लोगों का अक्सर मुझसे पूछते हैं, आपने अपनी टीम का नाम हमें इंसान क्यों लगा? तो आज आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, इंसान होने का कर्तव्य निभाना ही हमें इंसान टीम का मेन मकसद है। आज जैसे ये जो दीवार, आज हम इसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं, आपने पहले ये दीवार देखी होगी कितनी गंदी थी, लोग बाग इस पर थूकते भी रहते थे और कई बार तो पेशाब करते भी लोगों को देखा गया, मतलब इसका दुरुपयोग तरीके से हो रहा था। लेकिन ये इंसानों के लक्षण नहीं है। हाँ, फिर इंसानों में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जब जानवर को नहीं पता रहता कि वो गंदगी कहाँ कर रहा है या कहाँ सो रहा है, कहाँ रह रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। एक तरफ हम राहतगढ़ को अपना घर भी कहते हैं और दूसरी बात घर को गंदा भी रखते हैं। तो एक छोटा सा संदेश सभी राहतगढ़ वासियों को देने का हम लोग सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम जब सुबह से जाएंगे तो इतना हम सब लोग हो पाएंगे, लेकिन देखते ही देखते करीबन 30-40 लोग आ गए थे साथ में, मेरा पहला लाइव देख के, और सभी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि बहुत सराहनीय कार्य है। मैंने पहले ही बोला है कि ये सिर्फ राहतगढ़ विकास के लिए एक छोटी सी पहल है, इसको कोई भी किसी कार्यक्रम से या राजनीतिक उद्देश्य से ना जोड़ा जाए। और SDM सर ने अभी आपके से चर्चा करी, उन्होंने बताया कि आलोचना बहुत होंगी, लेकिन अगर हम इन आलोचनाओं को सुनकर रुक जाएंगे तो फिर हमारे ख्याल से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज का रिस्पॉन्स देख के क्या लग रहा है आपको? आज का रिस्पॉन्स देख के अगले कार्यक्रम को करने में और भी ज्यादा ऊर्जा मुझे मिल रही है। और जितने लोग आज लगे हैं, मुझे तो आज समझ में आया कि राहतगढ़ के युवाओं में इतना टैलेंट है, इतनी कला है। मतलब अभी तक तो हम सोचते थे कि सिर्फ पेंटर्स हैं जो पेंट कर पाएंगे, जैसे कि शाहरुख भाई हैं, अपने ये मोहित है, अमित सोनी है, जो पेंटिंग का काम करते हैं, इनने अपनी कला को इतने अच्छे से आप देख पाएंगे इन दीवारों में प्रदर्शित किया है। ये कई लोगों को शायद राहतगढ़ में नहीं पता होगा। तो हमें इंसान टीम, तो मैं कहूँगा अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है अपने राहतगढ़ में।